अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी YouTube फैमिली। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और जो जो मेरा ये व्लॉग देख रहा है अल्लाह ताला उसको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो वेलकम करती हूँ आपका मैं अपने एक और व्लॉग में, न्यू व्लॉग में। और आज मैं जा रही हूँ अबू की तरफ क्योंकि मैंने फातिमा का स्कूल में एडमिशन करवा दिया है, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से। तो मुझे चाहिए था उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो वहाँ पर पड़ा हुआ है अम्मी की अलमारी में, तो वहाँ पे जाके मैं वो बर्थ सर्टिफिकेट भी लेकर आऊँगी और कुछ ज़रूरी काम भी है मुझे वहाँ पर, तो वो भी करूँगी। और आप मेरे साथ बने रहिएगा और चलते हैं। तो अब्बू के घर जाने के लिए हम लोगों ने ऊबर बुक नहीं करवाई थी बल्कि लोकल ही ट्रैवल किया था पहले ट्रेन पे और उसके बाद आगे से रिक्शा ले लिया था। अब्बू के घर जाने की एक वजह तो फातिमा का बर्थ सर्टिफिकेट था, वो लेना था, और दूसरा ये था कि छोटे भाई के लिए कुछ कपड़े जो थे वो ख़रीदने थे, इसलिए जो बड़े भाई थे वो बुला रहे थे कि आ जाओ मेरे साथ ताकि मैं उसके कपड़े ख़रीद लूँ। तो ये दो वजह थी मेरी वहाँ पर जाने की। और दोपहर का टाइम था, 2-2.5 बजे का, तो खाना नहीं खाया हुआ था। तो अबू के घर के पास ही एक होटल था छोटा सा, तो वहाँ पे ये दो बच्चे बड़े मज़े से कुकिंग कर रहे थे, पराठे बना रहे थे। तो मैंने इनसे पूछा था कि सादी रोटी और कोई दाल नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, फिर हम लोगों ने पराठे बनाए। चलो शुरू करो। बहुत मज़े का है माशाल्लाह, बहुत मज़ा आ रहा है। इसके इसके गले में ना लग जाए पेन। वही ना। अरे 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 बोबो, बोबो जी हमारा, बोबो कोशिश कर रही। आपने करे हो जाने, आपने खड़े हो जाने, ओए पोपो करी होगी। तो मैं और भाईजान गए थे बाज़ार और बाज़ार से लेने थे छोटे भाई के लिए कपड़े क्योंकि वो उसके पास से होते हुए फिर वो वापस अपने घर चले जाएंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे वापस। पहले वो दुबई में स्टे करेंगे और फिर वो, तो छोटे भाई के लिए कपड़े लिए हैं ताकि वो आराम से, मतलब इतनी गर्मी होती है, उसने कहा है मुझे शलवार कमीज़ चाहिए, पहले भी भिजवाई थी तो अभी फिर से 2 शलवार कमीज़ लेकर आए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है डार्क ब्राउन कलर में और ये गुल अहमद की हैं शर्ट और शलवार और कमीज दोनों, और इसके साथ है ये ब्लैक में, ब्लैक कलर उसके ऊपर सूट भी बहुत करता है और वो पहनता भी है तो इसलिए, और कुछ वो कपड़े गंदे बहुत करता है इसलिए उसके लिए डार्क डार्क कलर लिए। और घर आके मैं वापस अब बना रही हूँ मैं शिमारी छोटी गोश्त की, तो इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1/2 किलो से तो ज़्यादा ही है ये गोश्त, बोनलेस गोश्त है। इसके लिए मैंने लिए हैं 6 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और ये मैंने अदरक का क्यूब लिया, ये लास्ट में मैं डालूंगी जब मैं भूनूंगी इसको पूरा। एक जो है मैंने लहसुन का लिया है और लाल मिर्च मैं इस्तेमाल नहीं कर रही तो उसकी जगह ये मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो एक प्याज लिया मैंने, तो यहाँ पर मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए पानी, तकरीबन 1 ग्लास फुल नहीं है, 1 ग्लास से थोड़ा कम पानी है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ साथ साथ कि ये कैसे शामिल करना है। सबसे पहले शामिल कर देंगे इसमें गोश्त, और 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं हल्दी भी शामिल कर दूँगी और बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे और टमाटर को इस तरह काट के
इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसको प्रेशर लगा देंगे। और यहाँ मैं बना रही हूँ मोंगरे अपने लिए। इसके ऊपर से जो टमाटर के छिलके हैं वो रिमूव कर लेंगे, क्योंकि अभी इसमें पानी बहुत है। कुछ मैंने रिमूव कर लिए और कुछ रह गए हैं। इसको मैंने पैन में शिफ्ट कर दिया कुकर में से निकाल के। अब इसके में थोड़ा सा पानी जो रह गया उसको खुश्क कर लेंगे। अब अच्छे से टमाटरों को मैश कर लेंगे और फिर इसमें घी शामिल कर देंगे। गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट गल चुका हुआ है। अब इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के घी के शामिल कर देंगे और अच्छे से फ्राई कर देंगे इसको। इसको भूनते हुए इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा सूखा धनिया और थोड़ा सा जीरा। तो अच्छे से भून लेंगे और साथ में हरी मिर्च भी शामिल कर देंगे। इसको 6 से 7 मिनट के लिए यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे। अब इसको यहाँ भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब अदरक भी शामिल कर देंगे इसमें। तो ये यहाँ पर अच्छे से माशाल्लाह इसको 7 से 8 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अब इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि थोड़ा सा रसमी सा टाइप हो जाए। लास्ट में इसके अंदर हम हरा धनिया शामिल कर देंगे और मज़ीद 1 मिनट के लिए इसको भून के इस तरह फ्लेम ऑफ कर देंगे। और माशाल्लाह से मज़ेदार सी मटन शनवारी बिल्कुल तैयार है। और माशाल्लाह से शनवारी भी बिल्कुल तैयार है, आलू मोंगरे का सालन भी, और माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना है और मैंने मलाई डालकर बनाया है। और माशाल्लाह से ये है फाइनल लुक। ये है शनवारी और ये है आलू मोंगरे। तो इसके साथ ही अब मैं आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ बोलूँगी। और आप अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।